नमस्कार बच्चों, पारासर एकेडमी का जो साइंस का लेक्चर सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम दोबारा फिर से वापस हाजिर हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट। तो पिछले क्लास तक हमने डिस्कस कर रखा है, एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग के दो मेथड बेसिकली हैं, एक मेथड जो है टेबुलर मेथड जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है और इसीलिए हमने उसको डिस्कस किया, और दूसरा जो मेथड है वो हीट एंड ट्रायल है। पिछले लेक्चर में मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ था, वो मैंने गर्मी लग रही थी तो मैंने ये हीट यूज कर दिया था, ठीक है, तो आप उसको मेंशन कर लेना। चलिए तो आज हम फिर हीट एंड ट्रायल मेथड से ही कुछ एग्जांपल देखते हैं। किसके एग्जांपल देखेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। हाँ, एक चीज फिर वही दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, 30 सेकेंड लें, सब्सक्राइब करने में 30 सेकेंड लगता है, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि ये लेक्चर सीरीज कैसा चल रहा है। थैंक यू, डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में ही डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, Fe+H2O। पता है Fe आयरन, आयरन का जो वाटर से रिएक्शन होता है आप पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो वहां पे हमें पता लगेगा कि ये जो वाटर है बेसिकली ये, वहां मैं बताऊंगा कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, स्टीम है, अलग 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 वाटर का जो ये फिजिकल फॉर्म है अलग अलग मेटल से अलग तरीके से रिएक्शन करता है, ध्यान रखना है। तो जब आयरन का रिएक्शन होता है किससे बच्चों? वाटर से, तो क्या होगा, यह प्रोडक्ट बनता है Fe3O4, यानी हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड, और फिर साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होता है, ठीक है बच्चों। तो एक चीज मैं बच्चों को, कई बार क्या होता है बच्चे ये प्रोडक्ट भूल जाते हैं, ये प्रोडक्ट जो है लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को दो ही आयरन ऑक्साइड अभी तक पता है, एक आयरन ऑक्साइड होता है FeO और दूसरा होता है Fe2O3। ये बच्चा FeO कैसे बनता है, FeO बनने का रीजन है यहाँ पे आयरन पे चार्ज 2+ होता है और यहाँ पे आयरन में चार्ज 3+ होता है। जब आयरन पे चार्ज 3+ होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज 2- होगा, वही बचपन वाली बातें, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका, आयरन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 3 टाइम्स, आयरन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 3 टाइम्स, और यहां पे तो दोनों का बराबर, तो यहां पे ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं, FeO डायरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा ये दोनों आयरन का जो ऑक्साइड है, यहां एक कंसेप्ट है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया, जो दो आयरन का ऑक्साइड है, सबसे आयरन 2+ वाला ये ऑक्साइड किसका है, आयरन 2+ वाला ऑक्साइड है, तो इसको पढ़ते हैं फेरस, क्या पढ़ते हैं, फेरस ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं फेरस ऑक्साइड, OUS लास्ट पे लगा हुआ, ठीक है बच्चा, और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, क्या बच्चा, फेरिक ऑक्साइड। अब यहां देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, अस एक, अस सफिक्स तब लगता है जब छोटा भाई हो, और एक सफिक्स तब लगता है जब बड़ा भाई हो। वेरिएबल वैलेंसी वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आयरन एक प्राणी है जिसके वेरिएबल वैलेंसी होती है, कभी 2+ शो करता है और कभी 3+ शो करता है। इसी का एक और भाई है कॉपर, ये भी क्या करता है, 2 वैलेंसी शो करता है, एक बार +1 शो करता है और कई बार +2 शो करता है। अब अच्छा +1 वाला कॉपर का ऑक्साइड होगा, तो उसको क्या, CO2 हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, छोटा भाई, छोटा भाई क्या होता है, अस होता है, और बड़ा भाई क्या होता है, इक होता है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, Q+। फिर अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज स्पेलिंग कंसीडर मत कीजिएगा, Q+ ऑक्साइड। और फिर एक्चुअली वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, लिमिटेड टाइम होता है इसीलिए जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरे से। फिर कॉपर ऑक्साइड, जहां पे कॉपर का ये लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी, हायर वैलेंसी वाला क्या होता है, इक होता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूप्रिक, क्यूप्रिक
ऑक्साइड। ये देखो बच्चा, ये इक और ये अस। मैंने कहा छोटा भाई अस, बड़ा भाई इक, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइंड ऑक्साइड है Fe3O4। चलिए वापस आते हैं, इसके वैलेंसी के बारे में देखते हैं हम। इसको बैलेंस करना है हमें। बैलेंसिंग के लिए अच्छा सबसे पहले नजर आता है आयरन। आयरन देखते हैं, यहां पे आयरन वन है। रिएक्टेंट में आयरन कितना बच्चा? रिएक्टेंट में आयरन वन है और प्रोडक्ट में कितना है? थ्री है। बैलेंस करने के लिए अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तभी थ्री थ्री इक्वल होगा, यानी इस पूरे एनकेटी में हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हाइड्रोजन चेक करते हैं बच्चा, यहां पे हाइड्रोजन कितना है? टू है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितना है? टू है, यानी हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस है। बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? वन है और प्रोडक्ट में कितना बच्चा? फोर। ओ के नीचे फोर, यानी ऑक्सीजन चार एटम है। तो बच्चों अब इधर फोर है, इधर कितना है? वन है। अब ये कैसे बराबर होगा? अगर वन में हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें फोर से, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो फोर से मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन में तो आप कर नहीं सकते। मैंने कहा था कि अगर जनसंख्या बढ़ानी है तो पूरे घर का बढ़ाएंगे, पूरा घर, यानी ये H2O को क्या करेंगे हम? फोर टाइम्स कर देंगे। तो बच्चा मैंने H2O को यहाँ पे फोर टाइम्स किया, H2O को फोर टाइम्स किया, हर्जाना किसको भुगतना पड़ा? हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन तो अपना काम बना लिया, लेकिन हाइड्रोजन परेशान हो गया। ऑक्सीजन फोर यहाँ पे रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में फोर, ऑक्सीजन खुश। अब बारी किसकी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले फिर मुझे चेक करो यार, तबीयत खराब है क्या मेरी? अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, अगर बच्चा ऐसे लिखा हुआ है 4s2, इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन यहाँ पे है 4 × 2। अगर मैं लिखता 3s2, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 × 2, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना है? 8 है और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो ये याद रखना, ठीक है बच्चा? बिल्कुल बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें एकदम बच्चों की तरह सीखेंगे स्मूथली। तो यहां पे बच्चा आ गया हमारे पास हाइड्रोजन कितना? 8। अब हाइड्रोजन हो गया हमारा 8, लेकिन प्रोडक्ट में कितना था? 2 था। अब इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 होगा, यानी ओवरऑल इसमें क्या करना होगा आपको? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या बन के आया? 3Fe + 4H2O चेंजिंग इनटू Fe3O4 + H2। सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सॉरी 4H2 था बच्चा, ध्यान रखना, लास्ट में मैंने यहां पे 4H2 होना था। तो एक हमने एग्जाम्पल देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं किससे? हम H2 हाइड्रोजन गैस से, ठीक है बच्चा। जब अच्छा स्टेट में मेंशन कर दो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस होता है और H2 जो यहां पे यूज करेंगे वो भी क्या होगा? हमारा गैस होगा, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन से CH3OH ये लिक्विड फॉर्म होगा बच्चा। यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये और इसका बड़ा भाई। छोटा भाई खतरनाक है और बड़ा भाई मजेदार है। कैसे? ये हमारा सिलेबस क्या है मैं अभी मजे बता देता हूं। CH3OH और इसका बड़ा भाई C2H5OH, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। छोटा भाई बहुत ही खतरनाक है, जान ले लेता है छोटा भाई, इसको बोलते हैं मेथनॉल। और बड़ा भाई इसका नाम है, हर कोई जानता है, जिसको पी के लोग अक्सर नालियों मिलते हैं, समझ गए होगे, मदीरा, दारू, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्कोहल दोनों है, लेकिन अल्कोहल में एक छोटा भाई खतरनाक है और ये बड़ा भाई एथेनॉल मजेदार है, ठीक है। इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड वहां बता दूंगा ये दोनों भाई भाई कैसे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको मैं बैलेंस करना बच्चा। कार्बन रिएक्टेंट में वन, प्रोडक्ट में वन,
नहीं छुएंगे इसको। ऑक्सीजन को मैंने कह रखा था कि ऑक्सीजन बिगड़ैल है, छूना नहीं है इसको स्टार्टिंग में, बाद में देखेंगे, बीच में भी नहीं छूना है। चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे बच्चा? दो। और प्रोडक्ट नाइट्रोजन कितना है? देखो प्रोडक्ट नाइट्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 3 और यहाँ हाइड्रोजन 1। कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल बच्चा? 4 हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया? 4। अगर एक ही केमिकल फॉर्मूला में अलग अलग एटम प्रेजेंट हैं तो क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, और बाहर भी प्रेजेंट है तब भी ऐड करते हैं, देखेंगे। तो अब हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां पे 4, हाइड्रोजन 4 और यहां पे कितना? 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे 2, हाइड्रोजन यहां पे 4। तो वैलेंस कैसे होगा? 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन हो गया 4। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, ऑक्सीजन यहां पे 1 और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ऑक्सीजन 1, यानी कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा था, याद करो, कोशिश करना याद करने की। वहां पे आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, और कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, उसको करने के चक्कर में, मास बराबर करने के चक्कर में बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वैलिड करने के लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो वो केमिकल, इससे पहले वाला केमिकल इक्वेशन एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया था? बैलेंस हो गया था। बैलेंसिंग चेक करने के लिए आप हर एक एलिमेंट के एटम को काउंट करो कि किसमें कितना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही पॉपुलर, मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस पीछा नहीं छोड़ेगा। CO2 भाई किस फॉर्म में होता है? गैसीयस फॉर्म में होता है। मैं स्टेट मेंशन नहीं करता हूं, आप स्टेट देख लेना, H2O। ठीक है, फिर वही चीज, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और क्या प्रोड्यूस होगा? ग्लूकोज प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है, किसका? फोटोसिंथेसिस का। देखो बच्चों बैलेंस करना है। अच्छा हमारे पास तो स्पेस भी है, हम क्यों इतने कंजूसी कर रहे हैं भाई? क्योंकि बैलेंसिंग में थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। CO2 प्लस H2O। देखो अच्छा एक एक करके, फिर वही याद रखना है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में टच करना है। कार्बन यहां पर कितना है? रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है? 6। पहले ही कार्बन ने कहा मुझे 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 था, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 के बराबर होगा। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि पूरे ओवरऑल CO2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी के घर तोड़ना नहीं है, पूरे घर की जनसंख्या बढ़ा देनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम, ऑक्सीजन छूना नहीं है, फिर हम हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन बच्चा यहां पे कितना है? 2 है। यहां पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और प्रोडक्ट में देखो भरा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2। 12 और 2 कितना होता है? दोनों को ऐड करोगे 12 टू 14, 14 हो रहा है। अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 14 होगा। ये क्या दिखा आपको? ऑड नंबर। क्या है ये? ऑड। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? ऑड। और याद रखना जब भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस किया करो, ऑड करने की कोशिश नहीं करना, हमेशा इवन पे फोकस करना। अगर ऑड दिखे भी ना तो पकड़ के उसको इवन में कन्वर्ट कर दो। ऑड को इवन में कन्वर्ट करने का तरीका, मल्टीप्लाई करो 2 से, जनरली तो इवन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें तो ऑड करना ही नहीं है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी हमें थोड़ा बड़ा सोचना होगा। बड़ा सोचने के लिए बच्चा देखते हैं। अच्छा यहां एक चीज और देखो, ये देखो 6 to 8 ऑक्सीजन, 6 to 8 1 9, ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पे? 9। और 9 ऑक्सीजन क्या है? ऑड है। ऑड नहीं करना, हमें क्या करना है? इवन। तो आप क्या करो, एक बार आपके पास भरा हुआ है पूरा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14। अब क्या हो गया? इवन हो गया। 6 हमने मल्टीप्लाई किया, चेक करते हैं क्या होता है। जब हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। 12 हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन, ये दोनों को ऐड करो कितना निकल गया? 24। 24 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे कितना है? 2। 2 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके क्या होगा? 24।
यानी यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट करते हैं। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन चेक करता है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ये ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2, 6 × 2 कितना है 12, यहाँ ऑक्सीजन 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 12, तो टोटल कितना है 24। अब इधर ऑक्सीजन चेक करो बच्चा, 6 और ये 6 और 6 12 और यहां पे कितना है 2, तो 2 को 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 12 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस, और इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, एक फटाफट हम डिस्कस करते जाते हैं कुछ और, एक डिस्कस करता हूं मैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, HNO3 नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं ना। अच्छा ये बताया था मैंने नाइट्रिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड प्लस इसका रिएक्शन कराओ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है बच्चा आप पढ़ोगे आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी हमारे कहां पे है, सिलेबस में है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, वाटर प्रोड्यूस करने का मतलब कि H2O। अब चेक करो क्या बचा, Ca और क्या बचा NO3, CaNO3 होल ट्वाइस, और भी मैं ढंग से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो बेसिकली इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कितना है 1, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 2, पहले ही क्या हुआ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 2, काम खत्म। नाइट्रोजन कितना है, अब नाइट्रोजन पहले 1 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करने का नाइट्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पे बच्चा ये जो लिखा हुआ है ना NO3 होल ट्वाइस, इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या दिखेगा, ये नाइट्रोजन जो है बेसिकली कितना है 2 है, पूरे पे 2 से है तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, और ये ऑक्सीजन कितना है बच्चा, ऑक्सीजन है 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन 6 है। तो नाइट्रोजन यहां पे कितना है 2, रिएक्टेंट में भी कितना है 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में टच करना है, कैल्शियम 1 कैल्शियम ई बराबर है। हाइड्रोजन देखो बच्चा गड़बड़ हुआ हमसे, हाइड्रोजन यहां भी 2 है, यहां पे 2 हाइड्रोजन प्लस ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, जबकि यहां पे हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2, तो हम क्या करेंगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।